बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि स्किन में है तो ये बिल्कुल फिलिंग लेस है। आप भी बालों के मसल से परेशान हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट करवा करवा के थक चुके हैं और इस टाइम कोई इंस्टेंट हल ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिटेल में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स सिखाए जाएंगे, उनकी प्राइसेस भी बताई जाएंगी। ये सबसे बेस्ट ब्रश माना जाता है बालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके, आज हम ड्रेसेस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जितना अहम एक शादी पे या किसी इवेंट पे आउटफिट होता है उतना ही अहम जो है बाकी इतनी ही अहमियत बाकी एक्सेसरीज की भी होती है। और खासतौर पर बालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो बाल हैं वो आपकी खूबसूरती की सही मानों में अक्कासी करते हैं। मतलब आपने कुछ भी कोई एवरेज सा आउटफिट पहना हो, बिलो एवरेज भी पहना हो, लेकिन अगर आपके बाल खूबसूरत हैं, आपने उनको अच्छे से मेंटेन करके जो है प्रेजेंट किया हुआ है, तो आपकी लुक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। और पहले यही तो होता था कि मतलब आउटफिट कहाँ होते थे अच्छे ढीले डाले कपड़ों में भी लड़कियों के बालों की खूबसूरती होती थी। एनी हाउ, यहाँ पे जो हूँ मैं एक बहुत बहुत ज़बरदस्त शॉप पे आज आपको लेके आई हूँ। आपको यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़ के अलावा नेल्स की भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत फेक नेल्स आपको मिलेंगे, प्रेस ऑन्स मिलेंगे। फ्रेंच नेल्स की बात करें या थोड़े से कह लें कि चाइल्डिश लुक के लिए नेल्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, गर्लिश लुक की भी होगी और फॉर्मल लुक के लिए भी होंगे। अच्छा, मुझे फॉर्मल लुक में मुझे लगा कि वैरायटी मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, कैजुअल नेल्स तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे, बट फॉर्मल में ज़रा कुछ खास नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक भी अवेलेबल है, आपने देखा बालों के लिए एक्सटेंशन, जो कलरफुल शाइनी एक्सटेंशन आजकल चल रही हैं वो भी अवेलेबल हैं। फेक लैशेज़ भी अवेलेबल हैं, वो जो आजकल लैशेज़ जो हैं वो फेक लगवाते हैं, क्या कहते हैं एक्सटेंशंस, लैश एक्सटेंशन, वो भी अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट लेंजेस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे हेयर ब्रशेस, कॉम्ब्स और मेन जो इनका कह लें कि जिस वजह से इनकी पहचान है, इनका नाम है और जो चीज़ मार्केट में अच्छी क्वालिटी में बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आज हम जो है आपको यहाँ पे दिखाएंगे, वो इनकी शॉप की मेन आइटम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं, बहुत सारी पार्लर वालों के लिए तो मतलब ये ऑल इन वन वाला हो जाता है कि हेयर रिलेटेड बहुत सारी इनको चीज़ें मिल जाती हैं। छोटी छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं जो हेयर डू में हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ह्यूज वैरायटी यहाँ पे आपको नज़र आती है। अच्छा जी, मैं जो हूँ आज जो चीज़ आपको इस शॉप पे मेनली दिखाना चाह रही हूँ वो है हेयर एक्सटेंशंस। हेयर एक्सटेंशंस जो हैं आजकल यूँ समझ लें, मेरा तो ख्याल है जितना मैं देख रही हूँ, कि ऐसे जैसे कंपलसरी नहीं चीज़ हो जाती, जैसे मेकअप करना शादी में कंपलसरी है, इस तरह हेयर एक्सटेंशन लगाना भी कंपलसरी होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं हेयर एक्सटेंशंस, और कुछ लोग जो है अपने बालों को न्यू लुक देने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ जो है हैवी लुक देने के लिए, हर एक अपना पर्पज़ होता है। कुछ की ज़रूरत होती है हेयर एक्सटेंशन, तो जी उन लोगों के लिए मेरी वीडियो है स्पेशली जिनकी ये ज़रूरत है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ से हम वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं और भाई की ज़बानी सुनते हैं कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब बताएं। ठीक है जी, ये स्टेप कट हेयर एक्सटेंशन है, इसमें कोई भी कलर कस्टमाइज हो सकता है, साइज, स्टाइल और वॉल्यूम ऑर्डर पे बन जाएगा। सबसे ज्यादा जो लेंथ होती है वो कितनी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? 23 इंच तक इसमें साइज मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ मुझे दिखाएं, आइडिया दें कितना होता है। ये मैक्सिमम आएगा 23 इंच में चला जाएगा, लॉन्ग से लॉन्ग। ठीक है, कस्टमाइज है, कलर कोई भी बनवा सकते हैं। साइज मैक्सिमम 23 है, हाफ हेड से लेके लॉन्ग आप साइज चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम साइज चाहिए। कलर सारे इसमें कस्टमाइज है, ब्लीच वेव है, लो ड्राई वेव मिल जाएगा, लूज कर्ल मिल जाएगा और टाइट कर्ल मिल जाएगा। इससे टाइट कर्ल चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो ये इनकी प्राइसेस भी कस्टमाइज प्रोडक्ट है टोटल। ठीक है, प्राइसेस भी बताएं। ये सिंथेटिक है? ये सिंथेटिक है, हमारी ड्रीम स्टाइल कंपनी की है। सिंगल कलर जो हमारा आता है इम्पोर्ट होता है वो, उसमें कोई भी स्टाइल लेना है स्टैंडर्ड स्टाइल्स में से तो वो 2800 है। डबल कलर जाएगा हाईलाइट्स में, जैसे ये हाईलाइट्स है तो डबल कलर 3500 में, सिंगल कलर 2800। एक बीच वेव है, एक क्रम्प है, क्रम्प भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इन दो के रेट ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, इनके साथ दो फ्रंट के भी बनवा सकते हैं और एक बैक भी, तीन पीस का सेट भी बनवा सकते हैं, क्रम्प भी और सिंगल पीस भी हो सकता है।
ड्रम का एक सेट दो अंदर से। और अगर कोई अपनी एक्सटेंशन कोई उसने कहीं से भी ली और वो उसको रिपेयर वगैरह करवाना चाहे? रिपेयर हमारी हम सिर्फ कंपनी की करते हैं क्योंकि वेयर हाउस भेजते हैं, उधर से होता है, हमारा टैग लगे होते हैं एक्सटेंशन में कंपनी के। सही। तो आपको, आप जब लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी कंपनी की आई है लोकल, तो लोकल प्रोडक्ट्स पे हम वर्किंग नहीं करते। अच्छा। हमारा सिर्फ कंपनी आउटलेट है तो कंपनी प्रोडक्ट्स पे ही वर्किंग किया जाता है। हाँ, जब भी खराब हो, सपोज आपने स्टफ कट लिया है, अपने स्टाइल चेंज करवाना है, कर्ल्स करवाने हैं, वेव्स करवाने हैं, बीच वेव करवाने हैं, तो उसी पे स्टाइल चेंज हो जाता है। मतलब वो कट तो कट ही रहेगा, उसमें वेव्स ऐड कर लेंगे उसमें। हाँ जी जी, कर्ल्स टाइट करवा लें, लूज करवा लें, वेव्स करवा लें, वो अपनी मर्जी है। कलर कोई प्यारा पकड़ लाता कर आते हैं, ये क्रम्प है, इसमें कलर्स ऑर्डर पे बना देते हैं। सही। ठीक है, इसमें दो फ्रंट है, एक बैक है। अच्छा, ये डबल है? जी जी, ये इसमें दो पीस आगे के होते हैं जैसे। तो इसमें तो वो जब उलझ जाते हैं बाल तो फिर क्या करते हैं? मेरी स्टाइल करवा लेते हैं। नहीं, वो तो आपसे करवाते हैं, अगर कोई खुद से ही घर में कुछ उसको सही करना चाहे। ब्लो ड्राई कर सकते हैं, सही हो जाता है, अलाउ है, ब्लो ड्राई से स्ट्रेट हो जाते हैं, ब्लो ड्राई से आप वेव भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो अटकें डली होती हैं, उलझन होती है बालों में, वो सारा कुछ हो जाएगा। जी जी, ये इनको डॉट्स के बगैर ब्रश करते हैं तो लो टेंपरेचर। कौन से वाला ब्रश? ब्रश ऐसा जिसके ऊपर टिप्स ना हो, कोई भी ऐसा ब्रश जिसके ऊपर डॉट्स ना हो, तो आप बगैर टिप्स के, जिसके ऊपर बिल्कुल डॉट्स नहीं होते। अच्छा, यानी ये शार्प होता है थोड़ा? जी जी, इसके अगर टिप्स नहीं होते, बगैर टिप्स के होते हैं, तो ये अटकता नहीं। अच्छा। इससे आपके एक्सटेंशन कोई भी है वो आसानी से ब्रश हो सकता है। सही। ये आपके पास ओपन में भी यही दिखाएं? ओपन में स्ट्रेट एक्सटेंशन है? नहीं नहीं, ये ब्रश पड़ा हुआ, हेयर ब्रश। जी जी, हेयर ब्रश, मैं उसी को खोल देता हूँ आपको। ये सिंपल ब्रशेस हैं डॉट्स के बगैर, तो आप इनको। तो ये एक्सटेंशन के अलावा इनका कोई और फायदा है? जो ब्रश है ये सबसे बेस्ट ब्रश माना जाता है बालों के लिए, क्योंकि अगर आपके ब्रश में बाल आ रहे हैं तो समझें कि आपका ब्रश का फॉल्ट है। डॉट्स वाले जितने भी ब्रशेस हैं वो सर में तो बेशक नहीं लगते, लेकिन हेयर लॉस करते हैं। मैंने जो मैं कह रही हूँ उसमें भी आगे वो नहीं होता, वेव्स होती हैं, लेकिन आगे उसमें भी डॉट नहीं होता। हाँ, मुझे लगा कोई भी ऐसा ब्रश है, वुड का है, मेटल का है, इसी टाइप का होता है मेरा, बस उसमें वेव्स होती हैं, वो बहुत अच्छा है। सेम यही चीज़ है। और जूड़े में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस आती हैं? जूड़े में स्टॉक हमारा ज्यादा नहीं है इस टाइम, जूड़े इस टाइम स्टॉक शॉर्ट है। ये वाला एक पड़ा हुआ है, इसमें कलर्स हैं, बबल्स हैं, ये बबल्स में है, एडजस्टमेंट के साथ। अच्छा, है इसमें कलर। ये तो मतलब उनके बालों के लिए है जो ऑलरेडी हैवी हैं, जिनके बाल कम है, देखे ना वो इतना बड़ा तो उसके पीछे उधर क्लिप दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है, तो अगर सपोज बाल ज्यादा होंगे तो स्पेस नहीं एडजस्ट होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड हेयर हो, कम हो, अगर आपकी पोनी हो जाती है तो ये ग्रिप कर लेता है, ये ग्रिप के हिसाब से बेस्ट जाता है। इस वाले का स्टॉक फिलहाल शॉर्ट है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्ट है। तो इसके पीछे कैसे ये ग्रिप करेगा? इसके अंदर कॉम्स लगेंगे। अच्छा, भी लगनी है वो? इसके अंदर लगी हुई है कॉम्स, आप कॉम्स ऐसे बालों में लगा सकते हैं, लगा के तो इसको ये साइडों पे पिन अप करते हैं, जोड़ा पिंस लगा लेते हैं, तो वो आसानी से होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला इंपोर्ट होता है, इसमें भी स्टॉक ऑर्डर नहीं है, मतलब स्टॉक नहीं है, इस तरह का शॉर्ट है। या फिर ये पोनी होती है, ये पोनी आ जाती है इस तरह से, ये हम ऑर्डर पे बना देते हैं, इसमें कोई भी कलर आप बनवा सकते हैं। पर ये तो काफी खुली है। जी जी, इसको डबल फोल्ड करके भी लगा लेते हैं, इसमें वॉल्यूम भी बनवा लेते हैं, इसमें चुटकी भी लगवा लेते हैं। सही, हर कोई अपने मुताबिक, यानी कि जो इसमें तो जो आपको कहेंगे आपने वो एडजस्टमेंट करना है। जी जी, इसमें 7 डेज लेते हैं, तो क्लाइंट को ऑर्डर पे बना। ह्यूमन हेयर वाला भी कुछ दिखाएं। ह्यूमन हेयर स्टार्टिंग प्राइस क्या है ह्यूमन हेयर की? ह्यूमन में स्टार्टिंग प्राइस 22,000 है, 22,000 से शुरू हो जाता है। एक स्टार्टिंग वाला दिखाएं ताकि आईडिया हो जाए आप 22,000 में क्या दे रहे हैं। आई थिंक सब ये वाला कलर खूबसूरत है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव। अच्छा अच्छा जी, ये 22,000 में एक प्रोडक्ट होता है, ये दो पीस हैं, ये 100 ग्राम तकरीबन वॉल्यूम होता है जो हमने पंच इंपोर्ट करना होता है। तो ये क्लिप इन रेडी है, 18 इंच है, कैरेटिन वॉव है, स्टैंडर्ड कलर्स है, ब्लैक ब्राउन कलर है, मीडियम ब्राउन है, कॉपर ब्राउन है, या ये मिक्स डबल शेड है। ठीक है, ये 18 इंच साइज है और ये 22,000 का, 22,000 का है। आप पेयर भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो वॉल्यूम क्लाइंट यूज करता है उसमें वो 200 ग्राम मांगता है, तो हमने 200 ग्राम के सेट भी बनाए होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो डबल कलर चाहिए, यानी कि ये इस टाइम दोनों मिला के 200 ग्राम है, इतना होता है 200 ग्राम है। जी जी, तो ये जिनके बाल लाइट होते हैं उनके लिए हम पार्टी वेयर 2 रेकमेंड कर देते हैं, और अगर कैजुअल यूज करना है तो फिर हम 1 रेकमेंड करते हैं, लेकिन गाइड करते हैं कि आप 2 लें ताकि आपका पार्टी वेयर वो दोनों यूज हो सके।
ये बेसिक हम इस फॉर्म में इम्पोर्ट करते हैं ठीक है, इसमें साइज़ वगैरह मेंशन होता है, साइज़ कलर और ये वक्त बन जाती है, कोई बात नहीं, इस फॉर्म में होता है, हमने बनाना होता है इसको। अच्छा ठीक है, बैककॉमिंग हो सकता है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ड्राई स्ट्रेट बैककॉमिंग सब, यानी कि हेयर स्टाइलिंग हर तरह की इसमें, क्योंकि नेचुरल हेयर है तो उसको इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। बैक से ये कुछ इस तरह से है, ये वाला जस्ट है 40,000, ओनली 40,000 का है। हाँ ओनली, क्योंकि ये इम्पोर्ट है और बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि स्किन में है तो ये बिल्कुल फिलिंग लेस है। मैं नॉर्मल भी एक दिखाता हूँ ताकि दोनों के साथ पता चले कि डिफरेंस क्या है। ये भी ह्यूमन हेयर है, ये भी ह्यूमन हेयर है, ये थोड़ा लेस प्राइस में आ जाता है। इसके स्किन नहीं होते, इसकी नेट होती है, अपनी स्किन जो नीचे आती है वो थोड़ी लुक नेचुरल देती है, बट ये इसके रेशे भी पता चल जी जी जी, इसकी और इसकी दोनों के स्किन। भाई है तो ये भी नेटी है, तो ये भी नेटी, लेकिन ये ट्रिपल नेट है। अच्छा ट्रिपल नेट है, ये सिंगल नेट है, उसका मेकओवर जो है ना वो बहुत टफ है, ये आसान है, ये हम यहाँ बनाते हैं। अच्छा ये वैसे इम्पोर्ट है लेकिन ये हम यहाँ बना देते हैं, वो वाले नहीं बनाते। पिन नहीं लगाएगा? अच्छा जी, ये वाला नेट पे है ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा स्किन की तरह है ठीक है, हमारा उसमें स्किन मतलब की तरह। हाँ, अगर विदाउट स्किन आप दिखाएं, विदाउट स्किन और स्किन ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये वाला स्किन में जाते हैं। अब इनकी उल्टी साइड का ये ओरिजिनल स्किन की तरह लगता है और ये नेट में, ये नेट नेटिंग में कहते हैं, ये स्किन डिफरेंस जो होता है कि दोनों ही नेट है, पर ये ट्रिपल नेट है और ये सिंगल नेट है। सिंगल नेट है बिल्कुल, दोनों का लुक्स में भी बड़ा फर्क है। अच्छा ये ट्रेटेड हेयर है, ये कैरेटिन हुआ है, फाइन होता है, स्ट्रेट होता है, बट ये बॉडी वेव होता है, जैसे हमारा नेचुरल हेयर है, यानी कि इस पे आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, तो ये ट्रीटेड हेयर है सारा, ये फाइन होता है। दोनों की शाइन में भी फर्क है, ये वाला स्मूथ शाइन है, ये फ्रेजी जैसे हमारा नेचुरल हेयर होता है, बिल्कुल बॉडी वेव उस तरह से है। तो दोनों का सेटिंग लुक और मेथड और प्राइस तीनों का बहुत फर्क है। ये वाली कितने की है? ये वाला जाता है 15,000 में। अच्छा। और ये वाला है 40,000। काफी मेजर डिफरेंस है। हाँ मेजर डिफरेंस है, बट इसमें ये भी शॉर्ट साइजेस हैं, इसमें जाता है तकरीबन 1,20,000 तक नॉर्मल चला जाता है। अच्छा। तो ये फ्रंट टॉप है, फुल हेड का है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके बाल फ्रंट से कम है, हल्के हैं, और उनको लगता है कि वो कहीं आते जाते उनके बाल कम लगते हैं। तो ये तो पीछे को भी सारा कवर कर ही रहा है, तो इसको फ्रंट टॉप सिर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। अच्छा कम होता है, जैसे फुल हेड विग में होता है कि बैक आपका बैक और फुल डिफरेंस है ना एक फुल हेड विग का। अच्छा जी भाई, ये एक्सटेंशन जो है वो ह्यूमन हेयर है या वो सिंथेटिक है? वो ह्यूमन हेयर है। अच्छा जी, ये देखो ये टॉपर है, आप टॉपर होता है कि सिर्फ फ्रंट वॉल्यूम के लिए, तो बैक वॉल्यूम नहीं है। अगर आपको बैक वॉल्यूम्स भी चाहिए तो फिर फुल हेड विग आती है। इसमें हमने टॉपर के साथ हेयर्स ऐड करके उसको एक कैप लुक दे देना होता है, तो वो भी इजीली ग्रिप करता है हर चीज़, तो लेकिन वो फुल हेड में आ जाता है। उसमें होता है कि आप अपने बाल कवर कर लें, कवर करके, और उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमन हेयर है, स्टाइल कुछ भी हो सकता है, टाई भी इजीली हो जाते हैं, बट ये वाला होता है ये बैक वॉल्यूम नहीं दे रहा, ये बस टॉप वॉल्यूम दे रहा है और स्कैल्प कवर कर रहा है। बेसिक इसका पर्पस होता है कि फ्रंट का अपने वॉल्यूम बढ़ाना है, लेकिन फ्रंट का भी इतना वॉल्यूम तो नहीं है, नॉर्मल है जितना बैक है, मुझे तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा उसमें। ये है कि स्कैल्प कवर हो जाएगी थोड़ी से, बाल आ जाएंगे, यही होता है कि आपका फ्रंट कवर हो गया ठीक है। बैक वॉल्यूम इसका, इसकी फ्रंट लुक दिखाएं, फ्रंट दोनों स्किन में है ठीक है, इसका स्किन हल्का सॉफ्ट स्किन है और ये बिल्कुल वाइट स्किन है, लेकिन दोनों स्किन हैं, स्किन के डिफरेंट शेड्स बन जाते हैं, तो उसमें
ये वायर बैंड है, ये बहुत लाइट वेट सा होता है, ये बेसिक इलास्टिक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इलास्टिक होती है, ये हेड के हिसाब से इजीली एडजस्टेबल होती है, साइज बड़ा होता जाता है, ये इसकी ग्रिप्स हैं, ग्रिप्स पीछे जाएंगे इसका मतलब है आप साइज बड़ा कर रहे हैं, आपने इसको टाइट करना है, आप ग्रिप्स को आगे करते जाएं, ये आपका साइज, ये ग्रिप्स आगे आ गई, ठीक है। ये एक ये ब्लैक निशान लगाया होता है फ्रंट पे, यहाँ पे क्लाइंट का जो क्लिप है विग का, फ्रंट वाला विग है, टॉपर है, उसको आपने ग्रिप करना है तो आसानी से इसके अंदर यहाँ क्लिप लगाएं, यानी कि इसको पहले सर पे पहने फिर इसके अंदर क्लिप लगाएं, आप पहले क्लिप लगाएं इसके ऊपर टॉप को और फिर रख के इसको पहन लें तो आपका फ्रंट बैठा होगा सही। सपोज ये आपका हल्का सा प्लग है, आपने इसको ऐसे रखना है, इसको पकड़ लेना है, आपने हाथ रखना है और वायर बैंड आपने पूरा पहन लेना है, बालों के नीचे चला जाएगा वायर बैंड, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने बाल जो है खोल लेने हैं, ऐसे खोलने हैं, वो अपने बाल निकाल के बालों में मिक्स कर लेने हैं। तो ये अभी मैंने उसको कोई क्लिप्स नहीं लगाए बालों में, लेकिन वो फ्रंट कॉर्नर बिठा रहा है, बिल्कुल स्किन के साथ आ गया, तो वो बिल्कुल उठा हुआ, ये आपका कॉर्नर है, अजीब सा आपको नहीं लगता, तो जब आपके भी बाल आते हैं तो वो बिल्कुल स्किन के साथ एडजस्ट हो जाता है और बिल्कुल फिलिंग लेस देता है, ठीक है। जो अगर आपको लग रहा है कि फ्रंट उभर रहा है तो ये बिल्कुल स्किन के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो ये रबर से नुकसान नहीं होता हमारे, ट्रांसपेरेंट है, किसी किसी नहीं, 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 नहीं है। टाइटनेस वगैरह तो वो आप अपने हेड के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स हैं, आपको लगता है जहाँ आपको कम्फर्ट है, बहुत टाइट भी ना हो बहुत लूज भी ना हो, वहाँ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कैजुअली अगर हम सिर्फ ये बैंड के साथ ही निकल पड़े, बैंड के साथ आप एक दो क्लिप्स उसकी लगा लेंगे तो उसमें आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी, नहीं तो कम से कम पीछे वाला लगा लें ताकि फ्रंट ग्रिप आपकी बैंड के साथ बन गई है, बैक क्लिप आपकी हो जाए और ताकि आपका पीस स्लिप ना हो, मूव ना हो, मूविंग से बचाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। तो जब ये लग जाता है तो फिर ये बिल्कुल फील नहीं होता, आपने फिर ट्विस्टर करना है, आपने अपने बाल निकाले हुए हैं, ट्विस्ट किया हुआ है, तो वो आपका फीलिंग लेस है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अब बात करते हैं ये शॉप कहाँ पे है, ये शॉप है लिबर्टी मार्केट दुबट्टा गली में, दुबट्टा गली में एंटर होंगे तो जरीना मॉल के बिल्कुल अपोजिट ड्रीम स्टाइल्स के नाम से ये शॉप आपको मिल जाएगी। इनकी पिन लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगी। आप लोग जब भी लिबर्टी विजिट करें, आपको ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन चाहिए तब तो डेफिनेटली मेरे हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये शॉप। और अगर आपको और इसके अलावा सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन चाहिए, आपको हेयर एक्सेसरीज चाहिए, आपको नेल से रिलेटेड एक्सेसरीज चाहिए, आपको जो है लेंस वगैरह, और मुझे लगता है कि लैशेस की बहुत वैरायटी इनके पास है, तो आप डेफिनेटली इस शॉप को विज़िट कीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके साथ अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें फेक चीज़ें यूज़ नहीं करती, बट फिर भी जितनी की हैं उसमें मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी जो आपका फीडबैक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।